तेज तर और बड़क रफ्तार लीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस, सच्चाई की पहचान और मियारी खबरों की शान KNS। एक्शन रोके जी। अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब चाहते वो वक्त पे असेंबली के इलेक्शन करा देते, लेकिन राम माधव साहब श्रीनगर आके कहते हैं हम असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में हमारा असेंबली इलेक्शन जो है वो सैबोटाज हो जाता है। मेहरबानी करके आप एक ही जो है जबान में बात करें, अगर आपने असेंबली इलेक्शन कराने हैं तो कराइए, अगर आपकी ताकत नहीं है असेंबली इलेक्शन कराने की, अगर आपने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 96 के बाद सबसे पहली मर्तबा आप टाइम पे इलेक्शन नहीं करा सकते हो, तो मुल्क को कहिए कि आपने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो यहाँ पर सर ये कह रहे हैं कि हम बाकी जमातों को घर रोक रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है उनसे, अब आप जाके जम्मू में क्यों नहीं पेशरफ करते, आप लद्दाख में क्यों नहीं पेशरफ करते, सिर्फ वोटों का बंटवारा कश्मीर में ही क्यों? मैं किसी को यहाँ की सियासत में एंट्री करने से मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, आइए जनाब खुल के आइए। लेकिन जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा पिछले 15 दिनों में कश्मीर में 6 नई पार्टियां बनी है, जम्मू में मुझे बताइए कौन सी नई पार्टी बनी, लद्दाख में मुझे बताइए कौन सी नई पार्टी बनी, क्या ये नई पार्टियां सिर्फ कश्मीर के लिए हैं? और अगर सिर्फ कश्मीर के लिए हैं तो बताइए क्यों? मैंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे हुकूमत संभालने का हक सिर्फ मुझे है या सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ना आप जाके जम्मू में भी लड़िए, लद्दाख में भी लड़िए, तभी हम माने कि ना आप स्टेट को जो है बचाने की बात कर रहे हैं। जरा बताएं ना 370 को हटाने या कमजोर करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे हाथ रहा? हकीकत यह है कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तदार से बाहर रही है तब तब 370 को नुकसान हुआ है पिछले 5। ताज़ातरीन मालूमात के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ, KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।